वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक झगड़े की वजह से योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एंट्री हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज हर कोई एक एंग्री यंग मैन के रूप में देखता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब योगी आदित्यनाथ कभी अजय सिंह बेस्ट हुआ करते थे। 21 साल का एक लड़का अपने घर से ये कहकर निकलता है कि वो नौकरी करने जा रहा है और उसके बाद वो सीधा यूपी के गोरखपुर धाम पहुंच जाता है और यहां से उनके जीवन की एक नई कहानी लिखी जाती है। आइए हम आपको आगे और भी रोचक बातें बताते हैं। 5 जून साल 1972 में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। उनके परिवार ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, ये भी सब जानते थे। इसके अलावा उनके परिवार के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। ये भी सच है कि वो अपने परिवार के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो संन्यास की राह पर चल पड़े। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ बनने से पहले उनके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसके बाद सब बदल गया। एक दिन गोरखपुर शहर के बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर में संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए। इसके बाद दुकानदार से किसी मामले में विवाद हो गया। दुकानदार पर जैसे ही हमला हुआ तो उसने वहां रिवॉल्वर निकाल दी। बाद में योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में छात्रों ने उस दुकानदार के खिलाफ काफी प्रदर्शन किया और इसी के बाद योगी आदित्यनाथ एक जाना माना चेहरा बन गए, जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ाई की थी। ये उस दौर की बात है जब गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती थी। फिर धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते गए और योगी जी हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो गए। हालांकि इसके कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को योगी ने नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी और यहीं पर उनका नाम अजय सिंह विष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ कर दिया गया। 1998 की ये बात है जब एक रोज महंत अवैधनाथ ने उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। यह एक ऐसा दौर था जब बिहार में करारी हार से यूपी में अपने प्रदर्शन को लेकर भाजपा काफी परेशान थी और उस वक्त 2016 में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक बैठक हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया और बताया गया कि जब तक प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहेगी तब तक तो राम जन्मभूमि का सपना सच न हो पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को लाना होगा। योगी आदित्यनाथ 1998 में ही गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। इस चुनाव को जीतकर मात्र 26 साल की उम्र में वो सबसे युवा सांसद बनकर दिल्ली आए और तब से लेकर 2014 तक 5 बार सांसद बने। फिर 2017 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया और लगातार वो अपने काम से सबको प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें achhaji.com।